नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कविता के माध्यम से तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के होने का आरोप लगाया। कविता के माध्यम से किस तरह तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे नीरज कुमार, आइए सुनते हैं। पूर्णतः दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष के नेता जो तथा कथित दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पूरम में पढ़ने का दावा करते हैं, तो अंग्रेजी वहां में बोला जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। हालांकि आठवां नौवां कौन सा वर्ग उन्होंने पास किया, यह भी संशय के घेरे में है। हम लोग तो गांव के पाठशाला से आए हैं, तो हमको ऐसा लगा कि आउटसोर्सिंग है, उनका सेल्फ क्रिएशन तो नहीं हो सकता, उनका स्वनिर्मित नहीं हो सकता है। तुकबंदी उन्होंने एक बनाया भाई, चरवाहा विद्यालय जिसका रोल मॉडल हो, वैसे लोग काव्य पाठ करें और आउटसोर्सिंग के माध्यम से करें, तो मन में मानसिक पीड़ा हुई। तो मुझे लगा कि मैं भी एक कविता के माध्यम से उनको जवाब दे दूं कि चरवाहा विद्यालय के दौर से अब बिहार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के दौर में है। तो बिहार में के संदर्भ में कहा कि भ्रष्टाचारी राजकुमार, बिहार में एक ऐसा राजकुमार है जो विपदा में फरार है, जिसका दामन दागदार है, वह घोटालों में भी बेशुमार है, जिसका चेहरा परिवार सहित भ्रष्टाचार से दागदार, जिसके आपदा में लापता होने का कुसंस्कार है। बिहार में एक ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसके शासन में नरसंहार है, यही अपराधियों के सरदार है, इन्हें पहचानने की दरकार है। बिहार में एक ऐसा राजकुमार है जिसके चहुओर भ्रष्टाचारी महिला अपराध के दागियों की भरमार है, जिनके नेता अपराध के मामलों में बदबूदार हैं। बिहार में एक ऐसा राजकुमार है जिसके पिता ने बिहार में मचाया चित्कार है, जो अपने ही परिवार का अल्बमदार है, हर बिहारी के माथे पर कलंक का भागीदार है। बिहार में एक ऐसा राजकुमार है जो सत्ता पाने को बेकरार है। तो आपने सुना नीरज कुमार के तीखे बोल, इन्होंने कविता के जरिए लालू परिवार पर हमला बोला, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को बातों बातों में कई सारे नसीहत भी दी है। फिलहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।